नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। कालाडूंगी तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग के सामने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के आदेशों पर तहसीलदार, पुलिस और वन विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर काम अतिक्रमण हटा दिया है। जीआईसी कोटाबाग के सामने राजस्व ग्राम आमला कोट और खिम्बो पीपल की सीमा पर कुछ भूमि है जिसके स्वामित्व के संबंध में सरकारी कार्यवाही गतिमान है। उच्च अधिकारियों को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर आज इस भूमि का निरीक्षण किया गया और कुछ लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसको स्थानीय पुलिस और नगर पालिका की टीम के सहयोग से हटा दिया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बृहस्पति वार को राव फिलिंग स्टेशन सिडकुल हरिद्वार में वैक्सीनेशन कैंप और सीआरपी टेस्टिंग किट सौंपे जाने के बाद आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि कोविड का इलाज समय से शुरू करना बहुत आवश्यक है। जरा सा भी देरी करने पर कोविड के मरीजों के इलाज में जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। HPCL के ओर से जो है एक CRP मेजर करने का एक डिवाइस दिए हैं। फिलहाल ये प्रदेश में पहला बार ये इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसमें CRP जो ब्लड में जो रिएक्टिव प्रोटीन का जो मेजर करते हैं, जिसका जो है कोविड में ट्रीटमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, उसको जो है 2 मिनट में जो है वो तुरंत ये डिवाइस बता देता है। तो उसी से जो है इलाज समय पर मिलेगा और बहुत शीघ्र मिलेगा, तो इससे जो है लोगों को बचाने में काफी मददगार रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बता दें 6 IAS समेत 2 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। IAS अभिषेक रोहिला प्रबंधक निदेशक बना दिए गए हैं, साथ ही IAS नरेंद्र सिंह भंडारी प्रबंध निदेशक कुमाऊं बना दिए गए हैं। इसके साथ ही मंडल विकास निगम और उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार IAS वरुण चौधरी बने को दिया गया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी चमोली IAS संदीप तिवारी बने हैं। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल IAS अंशुल सिंह से हटाकर डिप्टी कलेक्टर उद्धम सिंह नगर को चार्ज सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में आज सुबह से भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ हुआ है और ऐसे में मौसम में परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों ने देहरादून के लिए पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए निकल पड़े हैं। बता दें 4 धाम यात्रा स्टैंड से नटराज चौक पर इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल देहरादून के लिए निकल गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब की बार आंदोलन बहुत बड़ा होगा और पूरे प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम बार सरकार को चेताया जा रहा है और अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो आंदोलन को नया रूप दिया जाएगा। IDPL स्थित राइफलमैन जसवंत सिंह कोविड केयर सेंटर में अब म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित इस सेंटर में म्यूकर रोगियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ अभी तक यहां केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का ही इलाज चल रहा था। विशेष तौर से कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए 500 बेड की सुविधा वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन 26 मई को राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया था। कोविड का सीजन अभी उतार पे है, लेकिन साथ ही साथ म्यूकर के पेशेंट्स में हम वृद्धि देख रहे हैं। ये सारे पेशेंट एम्स में टर्शरी केयर सेंटर होने के कारण पूरे उत्तराखंड एवं समीपवर्ती राज्यों से भी आ रहे हैं। उत्तराखंड में मॉनसून के आगमन के साथ ही डेंगू का खतरा भी लोगों को अब सताने लगा है। ऐसे में दून शहर में डेंगू से बचाव को लेकर नगर निगम ने अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पहली बार शहर में फॉगिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के आदेश पर निगम की टीम लगातार बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे बस्तियों में ड्रोन के जरिए फॉगिंग और दवा का छिड़काव कर रही है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में मशीनों के माध्यम से फॉगिंग कराई जा रही है। हरिद्वार में पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि चयन के संबंध में बैठक की। उसके बाद मंत्री हरिद्वार में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम कांगड़ी का राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ होल इंडिया।